तो फ्रेंड्स, फाइनली आज रिलीज हुआ है फाइटर का ट्रेलर। अगर इस ट्रेलर को मैं शॉर्ट में रिव्यू करूं तो मैं इतना ही बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया लगा। मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नेगेटिव कुछ लगा ही नहीं, मुझे पॉजिटिव ही लगा। और जो जो चीज़ में मुझे अच्छा लगा उनमें से कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहला जो बहुत बढ़िया लगा वो है लुक्स। मेन जो तीन कैरेक्टर है इस फिल्म में, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण, तीनों का लुक्स बहुत बढ़िया है। ऋतिक क्लीनशिप में बहुत बढ़िया लगे, दीपिका तो वैसे ही हॉट है और वो भी बहुत बढ़िया लगी दिखने में। और अनिल कपूर को नाम मेंशन करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया लगे क्योंकि पिछले कुछ फिल्मों में जैसा पार्ट वो प्ले करते आए हैं ओल्ड पार्ट, लेकिन इस फिल्म में उनको यंग पार्ट दिया गया है और यंग में बहुत ही हैंडसम लगे। और दूसरा जो बहुत बढ़िया लगा वो है इस फिल्म में जो लोकेशन दिखाया गया है, बहुत बढ़िया लगा। कश्मीर में शूट किया गया कुछ पोर्शन, जो जो बर्फ़ का जो सीन था बहुत बढ़िया लगा। और VFX का काम बहुत बढ़िया है, जिस तरह से दिखाया गया है वो सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया लगा। और एक जो सीन है ऋतिक रोशन जब तिरंगा लेके निकलते, बहुत ही बढ़िया लगा, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। और कुछ कुछ जो पोर्शन डायलॉग है बहुत बढ़िया लगा, जैसे बदले वाला जो डायलॉग है वो बहुत बढ़िया लगा। और इस फिल्म में जो विलन है ना बहुत बढ़िया लगा। और वो जो सीन है ना जब ऋतिक उनका विलन का हाथ पकड़ के जो मारते हैं, बोलते हैं POK मतलब बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया लगा वो सीन। ओवरऑल मुझे ट्रेलर बहुत ही बढ़िया लगा, इंटरेस्टिंग लगा। 3 मिनट 9 सेकंड का ट्रेलर है लेकिन 1 सेकंड भी लगा नहीं कि बोर है या कुछ, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। और जो इंटरेस्ट एक ट्रेलर क्लियर करना चाहिए, एक ट्रेलर से जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो भरपूर लगा इसमें। मतलब जो थिएटर में ऑडियंस को लाने के लिए जो एट्रैक्टिव होना चाहिए वो सब कुछ इस ट्रेलर में है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। फिल्म का गाना जो है तो वो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फिल्म कैसे ही बने हो वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2024 का सक्सेस फिल्म तो होगा ही फाइटर, मतलब हिट तो होगा ही। मतलब छुट्टी का मौसम है, 3-4 दिन में जो कलेक्शन आएगा लगता तो है ये फिल्म हिट तो हो ही जाएगा। अब अगर अच्छी तरह से बनाया गया है, स्क्रिप्ट अच्छा हो, इंगेजिंग हो तो ब्लॉकबस्टर होगा ही। वैसे आपको इस कैसा लगा इस फिल्म का ट्रेलर कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय।